मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र ग्राम जगाखेड़ी के निकट एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को हल्की चोट आई है। बस में करीब 20 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार नाहरगढ़ से मंदसौर चलने वाली युवराज बस सर्विस निजी यात्री बस ग्राम जगाखेड़ी के निकट अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस का चालक और क्लीनर मौके से फरार हो गए। बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह बस की खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाई। मौके पर थाना वाईडी नगर पुलिस पहुंची और हादसे में गंभीर घायल हुए दो व्यक्तियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। ये नारायणगढ़ से मंदसौर जा रही थी बस। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोट लगी है एक आदमी की, एक सवार। ये 10:40 बजे। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की ये रिपोर्ट।